देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले घटने के बाद एक बार फिर से बढ़े हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,346 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 263 लोगों की मौत हो गई। बड़ी बात यह है कि देश में 209 दिनों के बाद आज सबसे कम केस दर्ज किए गए हैं। जानिए देश में आज कोरोना की ताजा स्थिति क्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कल 29,639 लोग ठीक हुए थे, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 252,902 हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना की 3,38,53,048 मामले आ चुके हैं, जिनमें अब तक कोरोना से 4,49,260 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 3,31,50,886 लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 91 करोड़ के पार हो गया है। कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 72,51,419 डोज दी गई, जिसके बाद वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर अब 91,54,65,826 हो गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 11,41,642 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 57,53,94,042 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। हर रोज नए खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।